हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सब कुछ इजी है मैं आपका स्वागत है। प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम सीखेंगे पेपर से ब्लाउज की स्टिचिंग करना। पहली पार्ट में हमने कटिंग किए थे, आज हम स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने बैक पार्ट लिया है, ये देखिए हमने एक मार्क किया था। इसको हम पहले टेकिंग देंगे, टेकिंग दोनों तरफ होगा। तो हम एक तरफ पे मार्क किए और एक तरफ मार्क कर लेंगे। अब हम इसको टेकिंग देंगे। देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया, इसको हम सिलेंगे। इस साइड में हम टेकिंग देंगे। तो पहले हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम सारे छल लेंगे। यहाँ से आधा आधा लेंगे दोनों तरफ। अब इसको हम टेकिंग देंगे। अब बैक पार्ट का हम गला तैयार करेंगे, इसलिए हमने एक पेपर लिया है और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को बिछाएंगे और इसको सिलेंगे। अब इसको हम काटेंगे, डेढ़ इंच रखते हुए हम इसको काटेंगे। यहाँ से भी हम काटेंगे, थोड़ा सा स्पेस रखते हुए हम इसको काटेंगे।
अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे। धागा कटना नहीं चाहिए। देखिए हमने थोड़ा थोड़ा कट लगा लिया। अब यहाँ से भी हम कटेंगे थोड़ा सा। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। अब हम इसको पलटेंगे। इस पेपर को थोड़ा सा मोड़ेंगे और यहाँ से हम सिलाई देंगे। ये बैक पार्ट का गला तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, उसको हम सिलेंगे। देखिए ये 4 और ये 5 है, हमने जो मार्क किया था। हम इसको ले लेंगे, एक ए लेंगे और एक ए लेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से आधा इंच लेंगे और यहाँ से भी हम आधा इंच लेंगे। अब इसको हम सिलेंगे। इस आधा इंच तक हम सिलेंगे। देखिए इसको हमने सिल लिया है। इसके ऊपर हम इसको बिछाएंगे। ऐसे बिछाएंगे और इसको सिलेंगे।
अब इसको हम सीधा करेंगे। ये ब्लाउज का एक कटोरी है, इसको हमने सिल लिया है। हम और एक कटोरी सिलेंगे, ऐसे ही हम दूसरी कटोरी भी सिल लेंगे। ये ब्लाउज का दूसरा कटोरी भी सिल गया है। अब हम ये ले लेंगे, इसको हमने दो मार्क किया था, इसके साथ हम कटोरी को जोड़ेंगे। देखिए ऐसे हम कटोरी को जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलेंगे। कटोरी को हमने जोड़ लिया है, हम दूसरा कटोरी भी ऐसे ही जोड़ेंगे। ये हमने दूसरा कटोरी भी जोड़ लिया है। अब हम ये लेंगे जो हम तीन मार्क किए थे, इसको ले लेंगे। इसको इसके ऊपर बिठाएंगे, यहाँ से इसको हम इसके ऊपर बिठाएंगे और सिलेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे और इसके ऊपर से और एक सिलाई देंगे।
ऐसे हम दूसरे पार्ट को भी जोड़ेंगे। अब इसमें हम हुक पट्टी बिठाएंगे, क्योंकि हमने 2 इंची का पेपर ले लिया है। इसको हम ऐसे बिछाएंगे। सीधे तरफ बिछाएंगे। ऐसे ही हम दोनों तरफ ही हुक पट्टी लगाएंगे। अब हम बैक पट लेंगे, बैक पट को सीधा लेंगे और उसके ऊपर हम फ्रंट पट को रखेंगे उल्टा करके और कंधा जोड़ देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, ये सीधा है और ये फ्रंट पार्ट है उल्टा है। इसको हम रखेंगे इसके ऊपर और आधा इंच छोड़ते हुए हम इसको सिलेंगे। अगले वीडियो में हम इसकी बाजू की कटिंग और बाजू को कैसे ब्लाउज में अटैच करते हैं वो दिखाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।